गोरखपुर महानगर में मुख्यमंत्री के आदेश व जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर सहायक खाद्य आयुक्त कुमार द्वितीय कुमार गुंजन व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेन मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने आज जनपद के सिटी मॉल स्थित कैरी ऑन रेस्टोरेंट, बलदेव प्लाजा के फर्जी ढाबा समेत विभिन्न रेस्टोरेंटों व होटलों की जांच की। जांच के दौरान टीम ने पनीर के 4 नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। सहायक आयुक्त खाद्य कुमार गुंजन ने बताया कि शासन के निर्देश पर वजिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों टीम ने पनीर के 12 नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा था। आज टीम ने जनपद के कैरी ऑन रेस्टोरेंट, फर्जी ढापा समेत विभिन्न रेस्टोरेंट और होटल की जांच की गई है। टीम ने आज 4 नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला हेतु जांच के लिए भेजा है। जांच के दौरान फर्जी ढाबा के एक ही फ्रीजर में नॉनवेज और वेज रखा गया था। इसको लेकर रेस्टोरेंट को नोटिस दिया जा रहा है। नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद राय, सुचित प्रसाद, उमाशंकर सिंह, अरुण शुक्ला समेत अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय कुमार गुंजन ने कहा, शासन की ओर से हमने निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पूरे गोरखपुर जनपद में कि जो खाद्य पदार्थ के रूप में पनीर सब जगह खिलाया जा रहा है, उस पर निरीक्षण किया जाए, जाँच किया जाए, नमूने लिए जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने आज हमारी टीम ने शहर के विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने नमूने पनीर के नमूने संकलित किए हैं। उसी क्रम में अभी हम लोग बलदेव प्लाजा में फर्जी ढाबा स्थित फर्जी ढाबा पर हम लोगों ने अभी कार्रवाई की है, जहां पर हमने पनीर के नमूने अभी संकलित किए हैं। आज दिन भर में हम लोग अभी तक 4 नमूने हम लोगों ने संकलित किए हैं और आगे भी इसकी कार्रवाई जारी रहेगी। और कहां कहां किया गया कार्रवाई? अभी हम लोगों ने पादरी बाजार पर भगत पनीर जो बड़ी स्तर पर निर्माण करते हैं वहाँ हमने नमूना लिया है, और सिटी माल पे जो करी ऑन रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी हम लोग कार्रवाई की है, वहाँ से भी हमने 2 नमूने संकलित कराए हैं। और पिछले सप्ताह हम लोगों ने 12 नमूने विभिन्न जगहों से, खजनी से और कैंपियरगंज से भी हम लोगों ने नमूने संकलित कराए थे। अच्छा सर, अभी देखा गया फर्जी ढाबा किचन में जो एक ही फ्रीजर में नॉनवेज वेज रखा हुआ था, क्या सर? जी, इस पे यहाँ पे उनके किचन के निरीक्षण में, इनके किचन के निरीक्षण में नॉनवेज, चिकन और वेज खाद्य पदार्थ एक साथ पाया गया है, जिसके लिए इनको नोटिस दिया जा रहा है। उस पर ये अनुपालन नहीं करते हैं तो हम इनका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। सर, ये कार्रवाई आगे भी चलेगी? जी, इसकी कार्रवाई अभी आगे भी चलेगी। अब 9 सप्ताह की कार्रवाई उन्होंने निर्धारित कर दिया है। ये शहर, पूरे शहर में जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबे और मॉल हैं, हम सब जगह इस तरह कार्रवाई कराएंगे। हम क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जहां से भी ये पनीर खरीदें, रजिस्टर्ड दुकानों से खरीदें जिनके पास खाद्य लाइसेंस हो, जिससे उनका ट्रेसिंग संभव हो सके। किसी भी ऐसे राह चलते वेंडर से ना खरीदें। लाइसेंसी फूड FSI से मान्यता प्राप्त लाइसेंसी दुकानदारों से ही पनीर खरीदें। जो नमूने संग्रहित किए, क्या होगा फिर इसके लिए? जो ये नमूने लिए गए हैं, इनको हम लोग खाद्य विशेषज्ञ झांसी में हम लोग इसको लैब भेज रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।